टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में लिंग परीक्षण के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि लिंग परीक्षण का खेल आशा वर्कर के घर पर चल रहा था। हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से लिंग परीक्षण के खेल का खुलासा किया है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ जिन तीन युवकों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि लिंग परीक्षण करने वाले गैंग के सदस्य हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव दिनौल में आज हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग परीक्षण के लिए ग्राहक बनकर 500-500 के 80 नोट लेकर एक दंपति को भेजा। नोटों का विवरण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने पास रख लिया। महिला का लिंग परीक्षण ये धंधेबाज कर ही रहे थे कि हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से लिंग परीक्षण करने वाली पोर्टेबल मशीन के साथ कई उपकरण भी बरामद किए। मौके से टीम को नगदी और शहर के नामी डॉक्टरों के विजिटिंग कार्ड भी मिले। विजिटिंग कार्ड के पीछे मरीजों का नाम लिखा होने से कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर इस टीम के पास महिलाओं को लिंग परीक्षण के लिए भेजते थे। कहाँ, गांव में, अपने घर पे? नहीं, मेरे घर नहीं, और जिनके यहाँ पे करते थे। अच्छा, कैसे कैसे करते थे, क्या क्या लिंग परीक्षण करते थे, कैसे देख के बताए थे? वैसे बस ये है। क्या है? लड़का है, लड़की है कि लड़का है? कितने समय से चल रहा था यहाँ पर? 15-20 यहाँ पर पहली दूसरी बार आए हम। अच्छा, यहाँ पर कभी पेशेंट हुए थे? आज हमारे 5-6 पेशेंट 10 पेशेंट हुए तो आज ही में करने हैं, रोज नहीं करते थे हम। तो ये जगह आपको किसने दिलाई है? जगह किसने दिलाई, क्वेश्चन करो ना। ये डॉक्टर एनएम थी। हाँ, इन्होंने जगह ऐसा ही, पहले मैं डॉक्टर बीनू पंकज जी के आता था, गुप्ता जी के यहाँ पे, तो वहाँ पर आती थी। अच्छा, पेशेंट भेज दिए इस तरह से। काफी दिनों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक पोर्टेबल मशीन लेके कोई टीम गांव-गांव और क्षेत्र में जाके इस तरीके का लिंग परीक्षण का कार्य कर रही है, और काफी दिनों से इसकी तलाश थी और काफी बार पहले भी छापेमारी की गई है, और आज एक संयुक्त टीम जनपद स्तर से हरियाणा की टीम और पुलिस टीम और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब, सभी के साथ हमने सुबह ही मॉर्निंग से इस पर पूरा जाल बिछाया और इसको जाके रंगे हाथों वहाँ पे इस टीम को पकड़ा, और वहाँ से तीन आदमी और एक पोर्टेबल मशीन अरेस्ट की। जैसा कि उन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये एक आशा का घर है, अभी इसकी सब विवेचना चल रही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी अभी पूरी तहकीकात इस मामले में चल रही है। अभी ये सब लोग तीनों अरेस्ट कर गए हैं, कोतवाली खुर्जा देहात में लगे। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश है और मैं ASMO हूँ धारूड़ा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी वहाँ से। हमें सूचना के आधार पर हमने यहाँ आज अपनी टीम के साथ खुर्जा देहात थाने के अंतर्गत गांव है दिनौल, यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर इलीगल अल्ट्रासाउंड सेंटर बना रखा है और ये सेक्स की जांच करते हैं, भ्रूण के बारे में बताते हैं। तो हमने अपना फर्जी ग्राहक तैयार किया और उनसे कॉन्टेक्ट किया और उस सूचना के आधार पर हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने इनको रंगे हाथों मौके पकड़ा है। तीन सदस्यीय टीम थी, इनसे मशीन रिकॉर्ड की है और जो भी हमने इनको पैसा दिया था वो भी इनसे रिकॉर्ड किया। हालांकि स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि एक लिंग परीक्षण करने का 4,000-7,000 रुपए तक ग्राहक से वसूले जाते थे। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर के घर में लिंग परीक्षण का गोरख धंधा फल फूल रहा था। ये भी बताया गया है कि टीम बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, JP नगर और अलीगढ़ के गाँव में जाकर एक साथ कम से कम 5 से अधिक महिलाओं का लिंग परीक्षण कर मोटी कमाई करते थे। जांच में ये भी सामने आया कि गर्भ में अगर बच्ची पल रही है तो महिला का अबॉर्शन करवाने के लिए उनको नामी डॉक्टरों के क्लिनिक पर भेज दिया जाता था। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।